हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेशल टास्क फोर्स में दोस्तों वैकेंसी आउट हो गई है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त पोस्ट निकली है दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्स में आपकी पोस्टिंग होगी। ये अंडर में आता है दोस्तों पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के अंतर्गत। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है सारी बातें क्लियर आउट कर लेंगे अपनी वीडियो में। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी और कहां पे वैकेंसी निकली है। स्पेशल टास्क फोर्स के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी जो कि अंडर में आता है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है दोस्तों, इसमें एज की बात करें तो कम से कम 21 साल, ज्यादा 45 साल। अगर आपकी एज 21 से 45 के बीच में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट है टोटल 4। सैलरी की बात करें तो दोस्तों 13,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और बड़ी प्रेस्टीजियस जॉब है दोस्तों। स्पेशल टास्क आपको दिए जाते हैं, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के अंतर्गत आपकी रिक्रूटमेंट करी जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने किया होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेट कोर्स प्लस ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पक्की सरकारी नौकरी है कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो बेसिकली दोस्तों ये प्योर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दूंगा, उसको प्रिंट आउट निकालो, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। दोस्तों ध्यान रहे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्पेशली अटैच करने हैं, उनको स्किप बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि मैं आपको बताया तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे कि आपके पास जितनी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स है वो सब आपको अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्ट करके। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो एडमिट कार्ड ऑफ 10th क्लास ये सब चल जाएंगे उसके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में। दोस्तों इसके साथ साथ रेजिडेंस प्रूफ भी आपको जरूर लगाना है। रेजिडेंस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। एक बार दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आप जरूर रीड आउट करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स वेस्ट बंगाल। इससे दोस्तों पता चलता है आपकी जो पोस्टिंग होगी वो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ही होगी। अब दोस्तों आपका मेन सवाल यह आता है कि सर अगर आप दिल्ली या किसी और रजिस्ट्रेट बिलोंग करते हैं तो क्या आपकी पोस्टिंग वहां पे हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी। आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों स्पेशल टास्क फोर्स के अंतर्गत कोलकाता, सिलीगुड़ी, मालदा और दुर्गापुर, ये यहां पे आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ये सारा प्रोसेस अपनाने के बाद एक फाइनल मेरिट आई जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी और वो फाइनली सिलेक्टेड होंगे। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।